दोस्तों, जो फूल वाले पौधे होते हैं वो किन्हें पसंद नहीं होते, और कौन अपनी बालकनी में उनको लगाना नहीं चाहता। तो मैं आज आपको ऐसी चीज बताऊंगी ना, जिसकी वजह से आपका जो पौधा है, फूलों वाला जो पौधा है, वो पूरा का पूरा फूलों से ढक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। अब यही पौधा आप देख लीजिए, जो मेरा तिकोमा का, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं, छोटा होने पर भी इसने देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दी है। तो जब भी आप अपने सॉइल कंपोजिशन को बनाएं, यानी कि मिट्टी को बनाएं, तो मिट्टी को बनाने से पहले आप उसमें नीम खली की 2 चम्मच जरूर डाल दें। अगर आप नीम खली की 2 चम्मच डालेंगे ना, तो इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी आपके प्लास्टिक के गमले होंगे उनके अंदर कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि मिट्टी सड़ गई, खराब हो गई, या फिर हुआ क्या, जो हमारे पौधा है उसके ऊपर कीड़े लग गए बहुत सारे, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि नीम खली का इस्तेमाल कीजिए। उससे अच्छा मतलब कीड़ों को भगाने का कोई और रास्ता मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि हम जितने भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज कर लें अपने प्लांट्स के ऊपर, वो ना तो इको फ्रेंडली होते हैं और दूसरी चीज प्लांट को भी नुकसान करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप अपनी सॉइल कंपोजिशन रेडी करें, उससे पहले नीम खली की 2 चम्मच अपनी सॉइल कंपोजिशन के अंदर ऐड जरूर करें। तो आपका जो छोटे से छोटे पौधे है ना, उसमें भी देखिए इतनी अच्छे से फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी चीज की ओर। अगर आपके पौधों में कलियां नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अपने पौधों को ना पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना शुरू कर दीजिए। जो केले के छिलके होते हैं ना, उसको पानी में डाल दीजिए 2-3 दिन के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, और थोड़ा सा उसके अंदर जो ऑरेंज होते हैं, जो संतरा होता है, उसके थोड़े से छिलके डाल दीजिए, और 3-4 दिन में आप अपने प्लांट को उसी से फीड कराना शुरू कीजिए। बट ऐसा नहीं कि आप उसको फ्रीक्वेंटली फीड करा रहे हैं कि आज भी कर दिया कल भी कर दिया। हर फर्टिलाइजर को देने से पहले 20 दिन का गैप जरूर रखें, और फिर आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट है वो शाइनी भी होगा, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, और दूसरी चीज उसके अंदर कलियां भी बनेंगी, और कलियां जब बनेंगी ना वो गिरेंगी नहीं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम वाटरिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, जो जैसे गमला होता है ना, गमले की, जैसे हम गमले, ये गमला, ये यहाँ पे हम इसको मतलब पानी दे देंगे। अब उससे पानी तो दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स के जो बाकी के जो पार्ट होते हैं, उसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे प्लांट के हर पार्ट बहुत अच्छे से क्लीन साफ रहेगा, तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जल्दी जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। और अगर इन्हीं पत्तों में मिट्टी जमी रहेगी, तो क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएगा। जो हमारा ये आप ये देख रहे हैं पेटल, ये पूरा का पूरा पत्ती, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। यही स्टोमेटा इन फ्यूचर में क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब हवा को एब्जॉर्ब करना, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एयर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं, और अपने लिए खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी सनलाइट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, यानी कि अपने फूलों वाले पौधों को सूरज की रोशनी में जरूर रखिएगा। अगर आप सूरज की रोशनी में नहीं रखेंगे, तो प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।